ये जो मिला है कि मेरे लिए काल रात्रि माँ के लिए बोलना। मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ कालका एनर्जी है, यहाँ कालका जी का मंदिर है, कालका देवी माँ का मंदिर है, और दिल्ली की जागृत माँ कालका माँ है, कालिका माँ है। और जब हर बात पे वो ज्ञान आज हम अपने आप को रेजोनेट करेंगे और माँ कालरात्रि के बारे में जानेंगे। आज सातवां नवरात्रों का दिन है, सिंपल भाषा में बोलेंगे सातवां दिन है। कालरात्रि माँ आज क्यों है, कालरात्रि माँ आज क्या कर रही है, और कल अष्टमी की कढ़ाई है, कल अष्टमी की पूजा है नव दुर्गा में, जो पूजा है कल सिद्धिदात्री कल है और आज कालरात्रि माँ है। यानी कि आज का जो दिवस है, आज की जो रात है, देखो दो शब्दों से मिलके बना है। सबसे पहले तो इस माँ के इस रूप को देख लो, माँ को ये रूप क्यों धारण करना पड़ा। माँ की खुली काले केश, माँ गधे की सवारी, माँ सिंहासन पर वही मुद्रा में बैठी है, और माँ के चार हाथ, चार हाथ। एक एक चीज को आज विज्ञान सहित समझेंगे, विज्ञान सहित समझेंगे कि कौन सा रूप रख लिया उस ममतामयी माँ ने। दो शब्दों का संधि विच्छेद है, काल रात्रि। क्या नाम है आज की माँ का? काल रात्रि। रात्रि अर्थात रात, है ना, काल रात्रि मतलब रात, काल मतलब, काल मतलब क्या, अब आप लोग बोलोगे काल मतलब काला काला, ठीक है, काला समझ लो, अंधकार समझ लो, अज्ञान समझ लो, लेकिन काल मतलब समय, काल मतलब समय। समय की रात्रि के समय ये माँ प्रकट हो जाती हैं। काली माँ कब प्रकट हो रही है, काल रात्रि माँ, जब काल की रात्रि है। और काल की रात्रि कब होती है, जब ये पूरी प्रकृति, ये पूरी सृष्टि अपनी सुप्तावस्था में चली जाती है। सुप्तावस्था में, जिस अवस्था में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जहां केवल रात है। अब ये रात, ये रात, ये रात वो रात्रि भी हो सकती है जो दिन के खत्म होने के बाद है। इस बात को समझ लेना आप लोग, जो मैं बात इस वक्त समझाने जा रही हूं, वैज्ञानिक बात है। रात आती है दिन के समाप्त होने के बाद, रात आती है दिन के आरंभ होने से पहले, ठीक है ना। तो ये जो रात्रि है, अंत भी है आरंभ भी है। अंत किसका है? अंत है बुराई का, अंत है उस अंधकार का जिसमें आप अपनी अज्ञानता को ले सकते हो, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो आपकी जो इंद्रियां हैं, इसका जो अज्ञान है, इसका अंत करने वाली माँ, ठीक है, अंत करने वाली माँ, और अंत करके उसको वो भोर देने वाली माँ जो कि कल अष्टमी के दिन नजर आएंगी, जो अब वर देने के लायक, वर देने के लायक तैयार हो जाती है। तो यहाँ अब मैं माँ का ये रूप समझाने के लिए आप लोगों को मैं इनके बारे में बताना आरंभ करना चाहती हूँ। कि आज का ये रूप करने से पहले मैं सबसे पहले स्तुति करूंगी माँ की। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब लोग अपने दोनों हाथों से इस माँ को, माँ के इस रूप को नमन कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, ये जो माँ का रूप है, या देवी सर्वभूतेषु मतलब सभी चीजों में, जड़ में, चेतन में, अखंड में, खंड में, चराचर में, सभी चीजों में
माँ जो विद्यमान है उस माँ के काल रात्रि रूपेण को, रूप को जो उसमें स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। ये जो माँ है, अब इनके रूप की चर्चा कर लेते हैं जो कि हमें मिलता है अलग अलग। अगर हम देखते हैं, अगर हम माँ का स्रोत देखते हैं, अगर हम माँ का कवच देखते हैं, अगर हम माँ के बारे में जैसे अपने भागवत इस तरह से माँ के बारे में भी है, तो ये वाला जो रूप है माँ का, ये एक ऐसा रूप है जो कि नव दुर्गों के रूपों में से एक आता है। इसका देवी महात्म्य में इनका उल्लेख हमें मिलता है। ये माँ का भयानक रूप है। कैसा रूप है? भयानक रूप है, लेकिन करुणामय है, करुणामय है, भयानक है। माँ को जब क्रोध आता है तो ना गणेश टिकते उनके सामने, ना अपने कहते हैं ना कार्तिकेय जी, दोनों घबरा जाते हैं, सब भाग जाते हैं। अरे बाबा, वो रूप जो अगर आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में आता था, आप लोगों ने रूप देखा होगा, लंबी जीभ है, और किस प्रकार से माँ ये वाला रूप धरती है राक्षसों का संहार करने के लिए, अगर हम इन घटनाओं को देखते हैं। तो यहाँ पे इनका माँ का जो ये भयानक रूप हम देखते हैं, यहाँ पे कभी काली माँ बोलते हैं, कभी काल रात्रि माँ बोलते हैं, और एक दूसरी चीजों के स्थान पे हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम काली का रूप देखते हैं, तो सबसे पहले अपने हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में ईसा पूर्व 3000 साल पहले इस रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बात करती हूँ, अगर हम पारंपरिक रूप से देखते हैं तो इसको सातवीं रूप में, 7 रात्रियों में आज का स्थान दिया गया है। ये माँ क्या करती है? सभी प्रकार के राक्षस, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जाओं का, बुरी आत्माओं का, बुरी आत्माओं का अगर आप ध्यान करना चाहेंगे करेंगे, बुरी आत्माओं का, भूतों का, राक्षसों का, उसका नाश करने के लिए ये वाली एनर्जी को बुलाया जाता है, जिसके आने की खबर सुनते ही ये सारी एनर्जीज जाना शुरू कर देती हैं। अगर हम चक्रा की बात करते हैं अपने बॉडीज के सातों, तो ये सातवें चक्र की माँ है, क्योंकि आज सातवां नवरात्र है, तो यानी कि ये क्राउन चक्रा को डिनोट करती है। किस चक्रा को डिनोट करती है? क्राउन चक्रा। इसके आवाहन से सिद्धियां, निधियां, ज्ञान, शक्ति मिलती है। क्यों? ये माँ का रूप ही ऐसा है। अगर आप लोगों ने शुंभ निशुंभ यहाँ की जो कथाएं हैं, हम इस चीज को देखते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट को लेंगे। तो इस कालरात्रि माँ को शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। शुभंकरी, शुभम करी, क्यों? शुभ को करने वाली। अगर मान के चलो आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन आपके पास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, क्या आप वो अच्छा काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये माँ आती है उस अच्छे समय के लिए, उस अच्छे तो नाश कर देती है। अगर चुन चुन के मारा, महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, कितने राक्षसों का माँ ने संहार किया है। इसका अर्थार्थ क्या मतलब हुआ? यानी कि अच्छा करने वाली। ये अपने भक्तों को, जो इनको मानते हैं, जो इन इस रूप को वरते हैं, ध्याते हैं, वरण करते हैं, वो उनको शुभ फल को देने वाली है। काल रात्रि का पहला शब्द काल, कला से भी जोड़ा जाता है, समय से भी जोड़ा जाता है, और जैसे मैंने कहा प्रकाश थे आने वाले। ये अगर इसको हम ये देखते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं, इसकी जो संज्ञा बनती है काल रात्रि की, ये एक प्रकार का ऐसा रूप बनता है जिसे कहते हैं कि एक मैस्कुलिन एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज होते हुए भी एक मैस्कुलिन एनर्जीज का ये करती हैं। और ये इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि समय की मृत्यु, समय की मृत्यु मतलब जहाँ समय खत्म हो जाता है, यानी कि बियॉन्ड टाइम, इट इज दिस एनर्जी इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस।
जहां कहते हैं कि ऐसी ब्रह्मांड में जब ऊर्जा आती है, जब समय ब्रह्मांड को भी खा जाता है, ब्रह्मांड को भी खा लेता है, निगल लेता है, तब ये वाली सर्वोच्च शक्ति, ये जो सर्वोच्च शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है, हम मदर एनर्जी को, क्रिएटिव एनर्जीज देखते हैं, फेमिनिटी को देखते हैं, फेमिनाइन एनर्जीज को देखते हैं, जिसे क्रिएटिव एनर्जीज बोलेंगे, वहां ये वाली एनर्जी सामने आती है। माँ को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इनका जो रूप है, इसका जो काल रात्रि शब्द का जो दूसरा भाग रात्रि है, काल रात्रि रात्रि, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले वेदों में ऋग्वेद से की जा सकती है। एक तरफ मैं हिंदुइज्म ले रही हूँ, एक तरफ मैं वेदों की बात कर रही हूँ। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त के अनुसार ऋषि कुशिका ने ध्यान में लीन रहते हुए, जब वो मेडिटेशन में थे, अब आप देखो मेडिटेशन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ऋषि कुशिका ने जब ध्यान में लीन थे, उन्होंने अंधेरे की इस एनर्जी को फील किया, फील इट उन्होंने फील किया इस एनर्जी को, और इन्होंने इवोक किया। किसने इवोक किया? ऋषि कुशिका ने इवोक किया ध्यान में रहकर इस डार्क एनर्जी को, इसकी आवरण शक्ति को, इसकी लेयर्स को फील किया, और तब इन्होंने इस शक्ति को आमंत्रित किया। इस प्रकार ये शक्ति सूर्यास्त के बाद की अंधेरी जो रात्रि है उसकी देवी बन गई, और ऋषियों के द्वारा इस सत्ता को, इस नश्वर, इस फेमिनिन एनर्जी को, इस दिव्य देवी शक्ति को इनवाइट किया गया सांसारिक बंधनों और डरों से मुक्त करने के लिए। नोटेड डाउन, जो फियर एनर्जी, जो रूट चक्रा में ब्लॉक है, भावनात्मक शरीर में ब्लॉक है, जो बार बार हम नारी शक्ति को आवाहन करते हुए कर रहे हैं, तो उस एनर्जीज को, जो फियर एनर्जीज थी, सांसारिक बंधन है, आई मीन दिस प्लैनेट अर्थ, मैं मर जाऊंगा क्या होगा, ये जो मुक्ति, ये जो डर है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, इस प्रकार की अज्ञानता को दूर करने के लिए समय से परे जाके इंसान को इसका परिणाम देने के लिए ये वाली एनर्जी प्रस्तुत हो गई, जो दुर्गा माँ की ही शक्ति है, उसी का ही रूप है। अगर हम तांत्रिक परंपरा देखते हैं, तांत्रिक, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि 10 विद्या हैं, महाविद्या है, माँ के अलग अलग रूप हैं, तो ये वाला जो रूप है, ये काल रात्रि तंत्र शब्द रात्रि के अंधेरे को डिनोट करता है, एक ऐसी स्थिति जो आम तौर पे लोगों को डराती है। आप इस रूप को, माँ को देखो, आपको लगेगा बच्चे नहीं देखेंगे, बहुत ही डरावना रूप है ऐसे करके, लेकिन नहीं, ये माँ का एक ऐसा रूप है जो काल रात्रि के पहले के अंधकार अज्ञान को दिखाने वाली है। इसका आवाहन करने से भक्त को सारी प्रकृति में होने वाली बाधाओं को दूर करने की शक्ति मिलती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने की शक्ति मिलती है। सोचो कितना पावरफुल। आज बारिश हो रही है, बेटी की शादी है, क्या कर पाएंगे? प्रकृति बाधा, यही प्रकृति, यही काल, यही समय। देखो हम कोई भी आयोजन रख रहे हैं उसके लिए समय कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें सब चीजें हमारी फेवरेबल हो। अभी लाइट चली जाए क्या करेंगे? क्या करेंगे? लाइट चली जाए क्या करेगा पीएमसी राजस्थान? क्या करेगी आशा गुप्ता? क्या करेगा? कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी जूम की आईडी नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि इस माँ को समझने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समझना होगा, ये जीवन का वो स्याही वाला रूप है, ये जीवन की वो डार्क साइड है जिसमें से प्रकाश निकलता है। आप बोलते हो मेरे जीवन में दुख आया, आप बोलते हो जीवन में बीमारी आई,
जीवन में निंदा आई, लोग मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, मुझे मान नहीं मिल रहा, मेरा अपमान हो रहा है, मुझे मुझे नहीं कुछ मिल रहा, पति मेरे को सहयोग नहीं कर रहे, कोई भी मुझे सपोर्ट, ये सारी वो रात्रि है जो आपके जीवन में है। और इस समय में अगर आपके जीवन में इस प्रकार का रात्रि का समय है माय डियर फ्रेंड्स, तब आप लोग इस माँ को अगर इनवाइट करते हो आपके जीवन में आगे जाने की, आपको शक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। यह कथा इस प्रकार की आती है कि दो राक्षस थे, ठीक है, मैं पॉइंट पॉइंट कर रही हूँ कि किस प्रकार से वेदों में लिया गया, किस प्रकार से ध्यान के द्वारा ऋग्वेद में लिया गया, जितने भी हमारे वेद रचे गए हैं वो वेदों में जो ऋषि थे उन लोगों को वो ध्यान में ज्ञान डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड। तो कहीं ना कहीं हम ध्यानी हैं लेकिन हमें भी डाउनलोड होता है, हमें भी मैसेजेस मिलते हैं, हम भी अपने कार्य को करते हैं। उसी प्रकार ऋषियों को इन शक्तियों के बारे में पता चला, कुछ ने इनके रूप दे दिए, कुछ ने अन्य प्रकार से इनके बारे में बताया। माँ की प्रकृति के इस रूप में मृत्यु और विनाश शामिल है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी किसी भी निर्दोष का वध नहीं किया, राक्षसों का संहार किया है, यानी कि अपने भीतर की, मेरे भीतर की बुराई का नाश करने वाली मेरे ही भीतर वो काल रात्रि माँ है। This is within me only, within me, within me, within me. मेरे ही भीतर मेरा ज्ञान है, मेरे ही भीतर मेरा अंधकार है, मेरे ही भीतर प्रकाश है, मेरे ही भीतर अंधकार है। तो कहते हैं एक बार राक्षस थे दो, शुंभ और निशुंभ, जिन्होंने देवताओं के लोक पे आक्रमण कर दिया और सारे देवताओं को भगा दिया। अब देवताओं का जो राजा है, हम सब जानते हैं, इंद्र हैं, उन्होंने वापस अपनी गद्दी को पाने के लिए भगवान भोले बाबा के पास चले गए, शिव के पास, कि प्लीज हेल्प अस, हेल्प अस, हेल्प अस। तो वहां पे वो जाकर प्रार्थना जब कर रहे हैं, तो उन्होंने जब प्रार्थना की है तो उन्होंने मिलकर माँ पार्वती की आराधना की, सहायता लेके भोले बाबा के पास गए, भगवान शिवा के पास, लेकिन उन्होंने माँ पार्वती की आराधना की और माँ ने, कहते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने देवताओं की सहायता के लिए एक और देवी चंडिका, चंडिका अंबिका, चंडी देवी, चंडी आपने नाम सुना होगा, हरिद्वार में भी चंडी देवी, चंडी देवी, उन्होंने उसकी रचना की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब वन वन बॉडी बिकम्स मल्टीपल, माँ दुर्गा द सेम एनर्जी, माँ दुर्गा एनर्जी, इट क्रिएटेड अ न्यू फॉर्म, इट क्रिएट। आप लोगों ने सीरियल में एक चीज में देखा होगा कि सामने माँ खड़ी है, बड़ी गोरी चिट्टी वो सुंदर वाली, और एक तरफ काली माँ खड़ी है, ये जो काल रात्रि माँ है आमने सामने खड़ी है। इट मीन्स अगर मैं अपने ही सामने अपने आप को मल्टीपल कर देती हूँ या एक और रूप अपना निर्मित कर देती हूँ, तो माँ ने क्या किया, उन्होंने एक और रूप की रचना की। और अब इन्होंने क्या किया, चंडमुंड ने क्या किया, बड़ा स्मार्टनेस किया, इन्होंने शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षस भेजे जो कि सेनापति थे, उन्होंने उनको भेजा है और ये आए हैं और ये माँ से युद्ध करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे माँ ने उन दोनों को मार डाला। जब मार डाला तब उनके उस रूप ने, जो दुर्गा वाला रूप है उनका, जो पार्वती जो शेरों पे सवारी करती है माँ, उन्होंने इस वाले रूप को, जो अपना ही रूप था जो उन्होंने उसका निर्माण किया था, उसको एक टैग दिया, जैसे आज मुझे पत्री सर ने नाम दिया ब्रह्मन विद्वन मणि, आशा गुप्ता तो वही है, कहीं वो आशा श्री लिख देती है बुक में, कहीं ब्रह्मन विद्वन मणि रख देती है, कहीं तो सेम चीज, उन्होंने उनको नाम दिया चामुंडा। तो आप लोग कहीं कहीं पढ़ते हो कि चामुंडा विच्चे स्वाहा, कई लोग होते हैं जैसे हम माँ का रूप देखते हैं रिंग श्रिंग क्लिंग, जो माँ का रूप देखते हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज देखते हैं, उनकी सतो गुण वाली, रजो गुण वाली, तमस गुण वाली, तो यहाँ पे उनको रूप मिला। उसके बाद फिर और आता है कि माँ दुष्टों का संहार करने लगी। यहाँ पे एक और आता है माँ के इस रूप से रिलेट करते हुए कि माँ ने एक और राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज, आपने कथा जरूर सुनी होगी कि वो जहां उसका ब्लड गिरता था वहां पे एक और
वो बन जाते थे और राक्षस अब देखो इसको स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करेंगे, वहां पे जैसे ही वो ब्लड गिरता था और वहां पे एक और वो बन जाएगा, एक और उसका एक क्लोन बन जाएगा, यानी उसका एक और रूप आ जाएगा। अब जब काल रात्रि माँ ने हमला किया तो उन्होंने उसके बिखरे हुए जो रक्त बीज का ब्लड था उसने क्या किया, बहुत सारे कई क्लोनों को जन्म दिया जिससे माँ को भी उसको हराना मुश्किल हो गया। इसलिए युद्ध करते समय काल रात्रि माँ ने क्या किया, उसको ब्लड को अपनी जीभ को लंबा करके, अपनी लंबी जीभ करके माँ ने उस ब्लड को जो जमीन पे जैसे ही गिरता था उसको लंबी जीभ से चाट लेती थी और इस प्रकार से चाटते हुए उस जीभ को खत्म करते हुए माँ ने क्या किया है उसको, ताकि वो जीभ नीचे ना गिरे, ब्लड जमीन पे ना गिरे और वो नए हो, और उन्होंने उनको मारने में उनको मार दिया। लेकिन माँ वो जो माँ को एनर्जी फॉर्म में आप लोग देखो, खत्म करते करते उनका रूप इतना उग्र हो गया, वो इतनी विध्वंसक हो गई कि अपने आमने सामने आने वाले सभी लोगों को मारने लगी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी है और भगवान शिव ने उनको रोकने के लिए उनके पैर के नीचे आने का फैसला किया। लेकिन जैसे भगवान शिव उनके पैर के नीचे आकर प्रकट हुए हैं, पैर के नीचे आके प्रकट हुए हैं, तब उन्होंने माँ ने क्या किया, उन्होंने अपनी जीभ को काट डाला और भगवान शिव को खड़े होने में उन्होंने मदद किया और वो अब लड़ाई के बारे में भूल गई और अब उनकी स्मृति हुई और उनका वो जो उनको जो उनकी वो जो एनर्जीज थी, जो इतनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज थी माँ की, उसको भगवान शिवा ने शांत किया। अब यहाँ पे ले आओ मेडिटेशन को, मेडिटेशन मेडिटेशन आपके भीतर, अब अपने आप को देखो, अपने आप को मल्टीपल कर लो, आप आपके ही भीतर शुंभ निशुंभ, आपके ही भीतर ऐसी राक्षस प्रवृत्तियां, राक्षस तामसिक तमस ले लेते हैं, आपके भीतर का तमस, ठीक है। कई बार तामसिक वृत्तियों में यहाँ पे मैं बात करूंगी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, रानू से भी प्रॉमिस किया था, अर्चना से भी प्रॉमिस किया था, मैं वेजिटेरियनिज्म से इसको क्लब कर दूंगी। मेरे भीतर आ रहा था, देखो दोस्तों, माँ ने नाश किया शांति और सत्य की स्थापना के लिए, देवताओं को सामने लाने के लिए। उसी प्रकार आज समाज में पृथ्वी पर अगर हमें शांति चाहिए, इस पृथ्वी पर सत्य की स्थापना हो, सतयुग आ जावे, तब क्या करना होगा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर राक्षस कोई नहीं है, लेकिन ये जो पाशविक वृत्तियां हैं जो हमारे भीतर, अगर हम अच्छे इंसान भी हैं लेकिन हमारा खान पान, हमारे काम क्रोध लोभ मोह वासना, इस प्रकार की वृत्तियां हमारे भीतर हैं, तो हमारे ही भीतर देखो, अब सब अपने आप को मल्टीप्लाई कर लो, आप ही के भीतर ये वाली शक्तियां, आप ही के भीतर अन्य देवी देवता, आप ही के भीतर, आप ही के पास वो गुहार लगाने आते हैं। अब आप शांति चाहते हो, अब वो किसके पास जाते हैं गुहार लगाने, मेडिटेशन के पास, प्लीज हमारा क्रोध शांत कर दो। लोग को रोज क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करें मैडम, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सोच के देखो, अब गुहार लगा रहे हैं किसके पास, मेडिटेशन के पास, क्या करें कैसा करें, पार्वती माँ कौन है, तो जगदम्बा कौन है, वो है श्रद्धा, वो है समर्पण, वही वही अब काल रात्रि का रूप ले लेती है, क्योंकि अब वो कहती है कि ठीक है सत्य की स्थापना हो, इसको लेडी बुद्धा बनना है, सबको लेडी बुद्धा बनना है, पीएमसी राजस्थान, पीएमसी हिंदी, कुछ भी सामने आकर, अब वो क्या करते हैं, अपनी ही वो एक नई फॉर्म को लेकर आते हैं जो काल रात्रि के रूप में आपको उन दुष्टों का संहार करने के लिए, जो बाहर नहीं आप ही के उन सेवन बॉडीज में है,
आप ही के खान पान में, आप ही के व्यवहार में, आप ही के भावनात्मक शरीर में, आप ही के भीतर जो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग मी। मैं चाहती हूं तुम लोग मुझे देखो। मुझ में ही है काल रात्रि माँ, मुझ में ही है दुर्गा माँ। मैं जब समझती हूँ अपने आप को साधारण तो साधारण, मैं जानती हूँ आत्मा तो आत्मा। मैं तुम लोगों को ये नहीं बोलूंगी, बहुत प्रश्न जगेगा, क्या हम लोग देवी माँ हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये विषय है श्रद्धा का, ये विषय है श्रद्धा का। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, ये जितनी कथाएं हैं, जितना देवी महात्म्य है, वो आप ही को आपकी शक्तियों से परिचित कराने के लिए है। अर्धनारीश्वर, पार्वती, दुर्गा, शिवा, और जब आप अपने ही भीतर की उन शक्तियों का, जो आपको आपके रूप से अलग करती हैं, तब आप अपनी बुराइयों को, जो खत्म होने वाली नहीं दिखाई देती, खत्म नहीं होंगी, दोबारा जमीन पे आएंगी, मतलब फिजिकल रियलिटी में आएंगी, तो मल्टीपल होती चली जाएंगी। इट मींस आपके संस्कार, आपके गुणा, आपके अंदर वो जब दोबारा आएंगे, जब आपको मान के चलो कि नाश करने के लिए आएगी वो शक्ति, वो एनर्जी, तब क्या होगा? जो आपके आपके विपरीत, वो जो चंड मुंडे हैं, वो जो राक्षसी हैं, वो जो आप ही का संस्कारा है, वो जब आएगा और वो धरती पे पड़ेगा, मींस जब वो फिजिकल रियलिटीज में आएगा, इट मींस वो दोबारा का दोबारा आपके व्यवहार में आने लगेगा। सच ए ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन। मैं इस वक्त जो बोल रही हूँ, मुझे अपने ऊपर नाज हो रहा है, मुझे अपने ऊपर नाज हो रहा है। मैं इस वक्त ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, आदि शक्ति माँ को, अपने सारे गुरुओं को नमन करना चाहती हूँ। मैंने कोई नोट्स तैयार नहीं किए थे दोस्तों, कुछ भी तैयारी नहीं की थी। क्या सामने आएगा, क्या जरूरत है? लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है जो इस वक्त सामने आ रहा है। ये योजना में नहीं था। मैंने सोचा था क्या बोलूंगी मैं काल रात्रि माँ के लिए, वो तो माँ है, मैंने तो इस जीवन में कभी पूजा की ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगी? हालांकि मैं कई बार आई हूँ, लेकिन काल रात्रि, लेकिन इतना तो सुंदर आ रहा है। तेरी ही भीतर वो जब एनर्जी आएगी, वो जो ब्लड नीचे गिरेगा धरती पे, दोबारा तेरा, मान के चलो तुम कहते हो मैं क्रोध छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, क्रोध छोड़ना, और एक तरफ तुम्हारा ही अपने आप कह रहा है मुझे शांति चाहिए, मुझे लेडी बुद्धा बनना है, मेरे को भी एनलाइटमेंट चाहिए, मुझे ये वाले जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। अब देखो अपने आप को देखो, एक तरफ अब आप ध्यान की शरण में जा रहे हो, शिवा कह रहे हैं, श्रद्धा सामने आ रही है, समर्पण सामने आ रहा है, वो एक रूप ले रहा है और बोल रहा है ठीक है मैं संकल्प करता हूँ, चाहे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं संकल्प करता हूँ, मैं मानूंगा नहीं तब तक, मैं ऐसा कर कर रहूंगा। अब ये वाली एनर्जी रात्रि एनर्जी है जो विध्वंस कर रही है आप ही के भीतर के अज्ञान का, नाश हो गया। अब आप ही ने चाट लिया रक्त बीज, क्लियर इट, क्लियर इट, क्लियर इट, क्लियर इट, आप क्लियर करे जा रहे हो। नाश हो गया आपकी सारी बुरी वृत्तियां, संस्कार, सब जल के भस्म हो गए। नाश 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 नाश। और तब अब आप ही को वो मेडिटेशन की एनर्जी, वो आनापानसति ध्यान की एनर्जी, आपको आपके फिर उस एम्प्टी स्पेस में, जहां ये वाली एनर्जी को कूल डाउन होना, कूल बेबी कूल, क्या बोलेंगे काल रात्रि माँ को, कूल बेबी कूल, माँ प्लीज कूल। माँ ना गणेश की सुन रही है, ना माँ कार्तिकेयन की, भाग गए वहां से, क्या करें, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब लॉर्ड शिवा आके उनके चरणों के नीचे आ गए हैं, इट मींस उनके पैर के नीचे, एंड द लेग, इट डिनोट्स द फिजिकल रियलिटी। अगेन उनके जीवन में ध्यान आ गया। ध्यान जैसे ही आया,
उन्होंने अपनी उस एनर्जी को लेट गो, लेट गो, लेट इट गो जाकर, एंड शी बिकम पीसफुल, पीसफुल। वही अपने दिव्य रूप में मां प्रस्तुत हो गई। यहाँ पे माँ के हाथ में जो वरदा देख रहे हो, देखो आप लोग ध्यान से देखो, एक चीज को दोबारा दिखाती हूँ। सी, इनके अगर हम हाथ देखते हैं तो एक ये वाला आप इनके हाथ में ये देख रहे हो, देख रहे हो ध्यान से, देख रहे हैं मुझे, और एक हाथ में ये देखो कटा रही है। सी दिस वन, इट्स अ हुक, हुक होता है जैसे कुल्हाड़ा कहोगे, हुक कहोगे, और ये वरदा है, इसको जो बोल रहे हैं ना माँ को, ये हाँ, ये किस तरह का लग रहा है आपको, ध्यान से देखो इस बार, एक बार ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है, जो मुझे इस वक्त, जो मुझे इस वक्त चीजें नजर आ रही हैं, जैसे आप लोगों की बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी जी, लग रहा है बिल्कुल स्टेट एकदम, ऐसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, और ये माँ शास्त्र सार की माँ है, ये पूरी एनर्जी कुंडलिनी एनर्जीज आगे बढ़ते 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 अब वो शास्त्र सार पे आ रही है माँ। आप समझो इस चीज को, जैसे शास्त्र सार पे वो शास्त्र कमल दल खिल रहे हैं, उससे पहले कि जितने भी अज्ञान हैं, सेवन बॉडी सेवन बॉडी सेवन बॉडीज, आपके सेवन चक्र सेवन चक्र सेवन चक्र, उसको ये कुल्हाड़े से काट डाल रही है। एंड व्हाट इज द डंकी रिप्रेजेंट, कोई बताएगा मुझे डंकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? माँ गधे पे सवार क्यों है? गधा फेमस दो चीजों के लिए, एक तो गधा बोझा ढोता है, बहुत कॉमन बात, गधा बोझा, बोझा ढोता है, बोझा ढोता है गधा, गधा मूरख है, कहते हैं क्या गधे जैसे कर रहे, क्या गधे की जैसे बस ग्रस्त का ही जीवन ढोए जा रहे, गधे वाला जीवन हो गया है ना, ठीक है ना। तो यानी कि इसको अगर हम अपने आप से डिनोट कर रहे हैं, एक तरफ माँ काल रात्रि है, नाश कर रही है अज्ञान का, और जो बोझा ढोता है वो कौन ढोता है, मनुष्य भी बोझा ढोता है, जब तक कहते क्या करूं, घर का काम करना है, क्या करूं, परिवार है, क्या करूं भाई, क्या करूं भाई, अब इस पे सवारी करके बैठ गई है माँ, आ गई है कि तेरे अंदर के अज्ञान का मैं नाश करूंगी। मैडम ज्ञान का प्रतीक है ये माँ, ये माँ वो प्रतीक, अभी ये शेरों पे नहीं सवारी कर रही है, शेरों पे तो वो माँ बैठेगी तो शेरनी की मतलब आ गई, यस कौन सवारी करेगा, ये माँ डिनोट कर रही है कि अब भाई आप, इन्होंने चुना है इस सवारी को, देखो अब गायत्री माँ को देखो, अब गायत्री माँ को देखो, वो हंस वाहिनी है, सरस्वती माँ हंस वाहिनी है, यानी कि वो डिनोट करती है बुद्धि को, इंटेलेक्चुअल पावर्स को, इंटेलेक्चुअल पावर्स। सुनो ये हर बात को बहुत विज्ञान सहित देखो, क्योंकि मेरी बचपन से एक इस तरह, मेरा जन्म का नाम भी बुद्धि देवी है, पता है आप लोगों को, जब वो कुंडली में एक नाम निकलता है, आप लोगों जानते होंगे, तो मेरा जन्म का नाम निकला था बुद्धि देवी, जन्म का भी नाम बुद्धि देवी, तो हर चीज को मैं एक वैज्ञानिक स्तर पे ही तोलती हूँ, और ये एक्सप्लेनेशन अभी अभी क्रिएट हुई है, आप लोगों के समक्ष हुई है। सो मुझे इस प्रकार की प्रतीति हुई है कि हम सब आज इस माँ की जब स्तुति करते हैं, तो क्योंकि मैंने भी कभी ऐसे नहीं किया, यू नो नेवर नेवर, मैंने देखा ही नहीं कभी उस रूप में, बस ठीक है हो गया, मतलब ठीक है माँ है, बस इतना ही, और मुझे कुछ नहीं पता, बस गायत्री माँ को देखती हूँ, सरस्वती माँ को, बस इससे ज्यादा नहीं पता मुझे। लेकिन यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ कि शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज महिषासुर, ये हमारे ही अंदर की पार्श्विक वृत्तियां हैं, मैं स्वयं शिवा हूँ, मेरे ही अंदर सब शक्तियां हैं। अब आज आप लोग कृपा करके, मैं प्रार्थना करूंगी, आज माँ जरूर आएंगी। हमारा हिंदू में कुछ लोग शैव भक्त हुए, कुछ लोग शैव भक्त हुए, कुछ वैष्णव हुए, कुछ शाक्त हुए, शाक्त संप्रदाय को लिए हुए लोगों ने इस रूप को इस रूप में देखा कि माँ को सर्वप्रथम आगे कर दिया।
ठीक है, मेरी बात समझो। कुछ लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण को जो वैष्णव है वो कहते हैं, वैष्णव की बात करते हैं कि 10 अवतार हुए विष्णु भगवान के, चलो भाई इस वाली फॉर्म में है, तो वो नारायण को आगे रख के बात करते हैं। जो शिवा कॉन्शियसनेस को मानते हैं शिव पुराण में, या जो शैव भक्त हैं वो हर स्थिति में शिव जी भगवान को आगे करते हैं। तो यहाँ पे देवी माँ को बोला है, हे माँ आप इस पूरे सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सर्व भूतेषु मतलब जो भी भूत, भूतेषु मतलब जो भी इस संसार में नजर आने वाली चीजें हैं, कण कण में माँ तू समाई है। तो जब सब में समाई है तो क्या तुम में नहीं समाई? तुझमें भी है वो, तुझमें भी है वो, सब में है वो, माँ सब में है। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता, वो संस्थिता है। अब कौन सा रूप? काल रूपेण संस्थिता। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं माँ के लिए, हे माँ तेरा ये वाला जो रूप सब जगह स्थित है, ये सब जगह विराजित है, तो हे माँ मैं तेरे इस रूप को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। अब इस रूप को इवोक करते हैं, इवोक इवोक, मैं गधे जैसा, मैं गधे जैसा, हे माँ ये जो मैं ढो रहा हूं बोझा ग्रस्ती का, इससे मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर। ये जो हाथ में तेरे है, ये जो मैं मनुष्य शरीर में लेकर आया हूँ, इस सिस्टम को लेकर आया हूं, इसको भी काट डाल और मुझे उस त्रिगुणमयी माया से पार ले चल, पार। उसे सिद्धियां भी नहीं चाहिए, धन लक्ष्मी ज्ञान। अरे बाबा ज्ञान भी क्या करेगा, जब ज्ञान हो ही गया मैं आत्मा हूं, ज्ञान इज अ टूल ओनली, आप समझ गए हो, स्थिति बन गई है। तो इस रात्रि को, इस रात को अपने अंदर इवोक कर लो। अरे बाबा 1 घंटे लेक्चर देके चली जाऊंगी, जीवन में परिवर्तन नहीं आया, ऐसा मुझे अपना टाइम खर्च नहीं करना बाबू, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड ऑफ माई। वहां पे भी वो मिल गया, तो ये कौन सी शक्ति है मेरे भीतर जो मिल गया, ये है मेरे भीतर का वो गायत्री तत्व, सावित्री तत्व, सरस्वती तत्व, वो ज्ञान तत्व जिसको पत्री सर ने नाम दिया ब्रह्मन विद्वन मनी। मैं इसको डिजर्व करती हूं, मैं ये बात जानती हूं, मैंने इस जीवन में, मैंने इस जीवन में दोस्तों कभी भी ये आज माँ गवाह है इस बात की, काल रात्रि माँ गवाह, मैंने ज्ञान और अज्ञान के सामने सारा संसार लय होता है हो जाए, मैंने हमेशा विवेक को चुना है, ज्ञान को चुना है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। सारा जग छूटे तो छूटे, सब रूठे तो रूठे, कुछ भी हो जाए सो हो जाए, पर ज्ञान ऐसा है जो सदा आपका साथ देता है। ये ज्ञान है जो तुम्हें, अब मर जाओ, अब एस्ट्रल प्लेन में चले जाओ, अब कॉजल प्लेन्स में चले जाओ, अब सत्य लोका में चले जाओ, अब किसी डायमेंशन में चले जाओ, आपके ज्ञान को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये देवी आपको वहां लेके जा रही है, काल रात्रि माँ। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने भीतर के उस शेडो वर्क को, शेडो मेरे भीतर जो शेडो है उसको देखो। सब लोग इस मोमेंट पे अपने अपने शेडो को देखो और मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। आज 12 बजे तक को पूरी रात जागो, आई एम देयर, आई एम विद यू, पूरी रात जागरण करो, बेशक करो, लेकिन कल सुबह आने से पहले, अष्टमी का हलवा चना बनाने से पहले, हलवा चने का भोग लगाने से पहले माँ को कह देना, माँ अब जो तेरे सामने ये हलवा चना रखा है पूरा क्राउन चक्रा खुलने के बाद रखा है, क्या ऐसा कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हैं?
सोच के देखो कितने रेडी हैं, वरना बोल भी नहीं पाओगे। मजे की बात बोलूं, कितने लोगों को बोलूंगी अच्छा बोल तो मैं आता हूँ, कितने लोग मुंह से भी नहीं बोल पाते, जीभ कांपने लगती है, कांपने लग, कैसे कह दे मैं आता हूँ, कैसे कह दे, ये कोई बात हुई, क्या कह दिया तुमने। पर मैं बहुत नाटक खेलती हूँ, मैं बहुत नाटकबाज हूँ, मैं बहुत नाटक करती हूँ। अभी घर में पूजा हो रही थी तो सबने वो बिठाया कि आरती कर रहे हैं भागवत, मैंने अपनी बेटी की आरती करनी शुरू कर दी, मैंने अपनी डॉटर की आरती करनी, तो सब कहने लगे ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या समझते हो भगवान को, उस किताब के अंदर बैठा है, भागवत पुराण में बैठा है, ये उस तस्वीर के अंदर बैठा है, मैंने कहा इसके अंदर नहीं है। अगर नहीं जानते भाई तो इस घर में भागवत के लिए क्यों चुनाव किया गया, मेरे घर में भागवत क्या कर रही है, इस घर में भागवत हो रही है, तो आप लोगों को इस बात को जानना होगा कि आप अपनी आरती भी कर सकते हो। अपनी आरती क्या कर सकते हो, कैसे आरती होती है, कभी आरती की है तुम लोगों ने, ऐसे करते हैं हम आरती, उसके बाद हम क्या करते हैं, तीन बार थाली ऐसे घुमाते हैं, क्या मतलब है इस बात का, ऐसे ऐसे देन ऐसे, ये हम अपने आप की आरती कर रहे हैं। डू यू नो किस किस को ये बात पता है, हम जब ऐसे थाली घुमा रहे हैं हम क्या करें, ऐसे लाइक दिस क्लॉकवाइज देन द एंटी क्लॉकवाइज, Why we are doing anti-clockwise आरती? इसका क्या उत्तर पता है? मैं अपना जो भी हमारी डार्क साइड है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो मोन आपका एक हद तक आंसर ठीक है मोनिका, ठीक है बेटा, लेकिन अभी क्या और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रोज सेशन के बाद ऐसा लगे तुम एक नए और आगे जा चुके हो, ठीक है मोनिका, क्योंकि तुम सब लोग तैयार हो रहे हो धरती माँ की सेवा के लिए। आप लोग ये मत समझो ये जो 9 दिन का प्रोग्राम चल रहा है वो आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देगा, मतलब एक एक चीज की क्लियरेंसिंग हो रही है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, माँ को इवोक करेंगे और अपने भीतर की उस अंधकार को, मान के चलो आपको गुस्सा बहुत आता है, मत कहो सबके सामने, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं सुनो, मान के चलो आपके अंदर कोई वासना है, मान के चलो गोलगप्पे खाने की वासना है, फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पा खाना, मान के चलो कि किसी भी चीज की क्रेविंग है, या मान के चलो आपके अंदर कोई भी इमोशनल डार्कनेस है, हम अपने शुंभ निशुंभ देखते हैं और अब खुद ही अब हम जा रहे हैं भोले बाबा के पास, अब हमें ध्यान हमारा कैसे क्लींस करेगा, ये तुम लोग बोलोगे कि वो क्लींस हो गया, अगर तुम लोग सामने नहीं लेकर आओगे इस वक्त शुंभ निशुंभ और चंड मुंड और महिषासुर को, तो वो माँ क्या करेगी, लेकर आओ। अगर किसी को मैं मोहम्मदन से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला आप हमको बहुत बोलते हो, मुझको बोलते आप हमको बहुत बोलते हो, हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ये हैं, तुम्हारे राजपूत क्या करते थे, आप लोगों के वो देवी मंदिरों में क्या होता है, आपके वो बंगाल वाले मंदिर में क्या होता है, मेरी जबान चुप कि भाई ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस बात को यही कह के विराम करूंगी कि वो माँ ने कभी नहीं चाहा, मैंने बंगाल में कोलकाता में जब गई थी काली माँ के मंदिर गई और जब मैंने वहां की जमीन पे रेड ब्लड देखा, वो मेरे हस्बैंड हैं अरुण कुमार गुप्ता जी जिनको मैं नमन करती हूँ, उन्होंने वहां के सारे पंडितों के संग वार्तालाप करना शुरू कर दिया कि पंडित जी मुझे वो किताब खोल के दिखाओ जहाँ लिखा था माँ बलि चाहती है, पंडितों को बोला आप हमें बुक बताओ मैं अभी बाजार से खरीद के ला रहा हूँ, माँ ने कहाँ कहा है बकरे की बलि चढ़ा दो, मानोगे सबकी जबान पे जिप लॉक। तो यहाँ पे आज मैं उस अज्ञान को जो ये धरती पे हमारी राजस्थान की भूमि पर जहाँ श्रद्धा है शक्ति है, तो आज हम इस माँ को ये बोलेंगे कि माँ ऐसा ज्ञान बहा दो, कुछ ज्ञान की गंगा ऐसी बहा दो कि सबके हृदय में ये जो बलि वाली परंपरा है इसका समूल नाश हो जाए। सो बी इट।